2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो। देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा अपनी नई पीढ़ी की स्कॉर्पियो की लंबे समय से टेस्टिंग कर रही है। स्कॉर्पियो 2022 की सबसे प्रतीक्षित लॉन्च में से एक है। फिलहाल कंपनी ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अपनी स्पाई तस्वीरों के चलते यह कार हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। 2022 स्कॉर्पियो को हाल ही में फोर्ड एंडेवर के साथ देखा गया है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह एसयूवी अपने नए अवतार में बेहद आक्रामक नजर आ रही है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि स्कॉर्पियो की प्रतीक्षा करने वाले ग्राहक एसयूवी के विशाल आकार से बहुत प्रभावित होंगे। कब होगी लॉन्च? स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट को कंपनी 2 अक्टूबर को लॉन्च कर सकती है। इस बात की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि महिंद्रा ने थार और एक्सयूवी 700 की शुरुआती भी इसी दिन की थी। स्कॉर्पियो की नई पीढ़ी वर्तमान मॉडल से आकार में काफी बड़ी होगी। हालांकि महिंद्रा ने बॉक्सी शेप को बरकरार रखा है, जो 2022 स्कॉर्पियो को बेहद रफ एंड टफ लुक देती है। रिपोर्ट पर विश्वास करें तो महिंद्रा मौजूदा स्कॉर्पियो को बंद नहीं करेगा, बजाय इसके दोनों मॉडल को एक साथ सेल किया जाएगा। महिंद्रा थार और एक्सयूवी 700 के समान मिलेगा इंजन 2022 स्कॉर्पियो के नए मॉडल को लेडर फ्रेम चेसिस का उपयोग करके तैयार किया जाएगा, लेकिन थार की तर्ज पर स्कॉर्पियो को बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस का एक नया वर्जन मिल सकता है, जिसकी बदौलत इस एसयूवी में राइड कंफर्ट और हैंडलिंग बेहतर होगा। इस सभी बातों पर गौर करने के बाद यह भी एक सच है कि स्कॉर्पियो एक आरामदायक सवारी नहीं होगी, क्योंकि यह अभी भी एक लेडर फ्रेम चेसिस पर आधारित एसयूवी ही है। 2022 स्कॉर्पियो को पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन के साथ भी पेश किया जाएगा। इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन होगा। दोनों इंजन एक्सयूवी 700 और थार पर पहले से ही काम कर रहे हैं। हालांकि महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट के अनुरूप इंजन को रीट्यून किया जाएगा। फीचर्स लोडेड होगी। 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो केबिन में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो पहले के स्पाई शॉट्स में नए डुअल टोन ब्लैक एंड ब्राउन अपहोल्स्ट्री और इसके स्टीयरिंग व्हील पर एक नए लोगो के साथ एक ताज़ा डैशबोर्ड डिजाइन का खुलासा किया। वहीं स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और एक और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इस कार में दिया जा सकता है, जबकि वर्टिकल एसी वेंट, इलेक्ट्रिक सनरूफ और 6 स्पीकर वाला सोनी साउंड सिस्टम भी इसके अपडेट का हिस्सा हो सकता है। अन्य फीचर्स में 360 डिग्री कैमरा, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप फीचर और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अपडेटेड सेफ्टी इक्विपमेंट भी देखने को मिलेंगे, जिनमें 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट और ABS दिए जाएंगे।